फ्रेंड वेलकम बैक माय चैनल, स्वागत अजी है आप बता सब है जी लोग हमारी रूम को भी वीडियो का। हाँ बनानी तो थी। लेकर जा रहे हैं हम तो बनाएंगे ना। तो हमारी रूम में ज्यादा कचरा ना सामान सटो बाहर तो रूम दिखा पता रहे है। हैं, सामान सटो थोड़ी दिखा रहे हैं, अबे मीडी दिखा देंगे। तो अबे फ्रेंड्स अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और ये है हमारा बोकल, ये मरा देख लीजिए। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक रूम। तुम दी आ जाओ ललाई लिया चला आ जाओ। अंदर आ जाओ ना। तो सामान तो टाइगर नहीं लेके बज गई, पर अंदर आ जाओ। तो जब मोड़ा है मोड़ा ही बैठा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो देख लीजिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आपको बताएंगे एक रूम जिसमें सब कुछ, बाथरूम किचन सब कुछ एक ही रूम में है। तो बस यही रूम है आप लोग, बहुत मैंने देखा है कि एक हमारी जो यूट्यूबर है उन्होंने ऐसी ही रूम शेयर की, आप लोगों ने बहुत पसंद की है। तो अगर आपको ये पसंद आती है, रूम पसंद आती है, फिर वीडियो पसंद आती है, तो फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर न्यू आ रहे हो कहीं से भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देख लीजिए भाई, ये जो चौकड़ी दिख रही है वो है बाथरूम। सिंगल रूम में ऐसी ही होती है जैसे कि आपको पता होगा। तो हमने पहनी थी उस दिन साड़ी, उसी दिन का हमने बना के रख लिया था ब्लॉग, अभी तक डाला नहीं था। तो आज बहुत लेट हो गया है ब्लॉग, थोड़ा लेट जाएगा। आज कितने करीबन 2 बज रहे हैं, तभी मैं ब्लॉग का एडिटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग डाल देती हूँ, आज भी खाली दिन नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन डेली डालते तो डेली ही वीडियो डालना चाहिए। तो ये देख लीजिए, उन्होंने मेरे देवरानी की रूम है, देवर देवरानी की, तो उन्होंने रूम चेंज करी थी। तो सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है वो निकाल दिया था, उन्हें लगाना नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं लगा रही थी। और बस ऐसे थोड़ी देर के लिए घूमने गए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना देते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि सिंगल रूम में किस तरीके से गुजर बसर कर लेते हैं सब लोग। तो ये मिडिल क्लास फैमिली लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। तो गैस जल के देख रहे, जल गैस स्टार्ट हो गई है जलना। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा है हमारा वीडियो, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटी सी क्लिप है। और ये देख लीजिए, ये बैठा है गोपाल, और ये बाहर जाने का रास्ता है और बाहर बालकनी है। तो मैं इनसे बोल रही थी मोनिका से कि वीडियो अच्छे से मतलब यहाँ पे ले लो, इसका मैं थंबनेल बनाऊंगी। तो बोल रही थी हाँ ले लिया, क्योंकि फ़ोटो ही नहीं मिलता, फ़ोटो खींचते तो फ़ोटो आता है सही से। तो अब यहाँ पे पंखा फिट नहीं हुआ था, अभी तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा किस चीज़ से हवा करे। तो मुझे जो मेरे हस्बैंड लोग काम करते हैं, जो कैटलॉग की किताब आती है, यानी कि थोड़ी डिजाइन विजाइन होती है खिड़कियों की, वो वाली, तो बस वही मिल गई थी, तो उसी से हम हवा कर रहे थे। तो ले देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से इसमें डिजाइन है। पहले तो मैं देख लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। देख अच्छी अच्छी डिजाइनें थी, और जिस तरीके से जौन सा कांच हो, बहुत सारी डिजाइनें चलती हैं, वही सब था इसमें। तो वही मुझे मिल गई थी, तो उसी से मैं हवा कर रही थी क्योंकि यहाँ पे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो रूम अभी भी आ जी आ रहा हमने बोला तुम ही बोला हमारा फोटो कहाँ भी लेते हैं तुम बोल ना जिनको ले जिनको बोलो। तो हम लोग आज ही आए, आज ही आए बस, यही रूम है, पंखा भी लगा नहीं है, नीचे रखा है तो गर्मी लग रही है। तो ये मेरे देवरानी ने रूम ली है मेरी, तो आप लोगों को पता ही है कौन सी रूम है। तो डबल रूम है इनकी, तो गर्मी लग रही है, तो ये मिल गया है इनकी, क्या बोलते हैं दुकान की कैटलॉग की जो होती है वो मिल गई है, वो काम करते हैं उसकी, बस उसी से हवा कर रहे हैं। पंखा नहीं लगो ना, पंखा ना लग जाओ ना तो हवा अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स ये है, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये बालकनी है, खुला है पूरा रूम, अच्छा है, रोशनी आती है, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, सारे दिन जब नाइट हो जाती है तो ही लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ एक बहुत अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।